हेलो, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से विशाल चौधरी फिटनेस चैनल में। मैं हूँ आपका भाई विशाल चौधरी। तो आज मैं बताऊंगा आपको वे प्रोटीन बेस्ट है या फिर एग्स बेस्ट है। ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर बात अच्छी लगे तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट कर देना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से, वे प्रोटीन बेस्ट है या फिर एग्स बेस्ट है। देखो, वे प्रोटीन की एक स्कूप में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ठीक है, और आप अगर मान के देखोगी वे प्रोटीन की एक स्कूप आपको कितने की पड़ेगी। नॉर्मली अगर आप 4-5 हज़ार का डिब्बा ले रहे हो किसी भी कंपनी का, तो वो 70 से 80 रुपये तक की पड़ सकती है मेरे ख्याल से आपको। ठीक है, 70 से 80 रुपये में आप कितने अंडे ला सकते हो मेरे ख्याल से। 6-7 रुपये का अंडा आता है, ठीक है, मुजफ्फरनगर में हमारे, तो 6-7 रुपये का अंडा आता है। तो मान लो कि 70 रुपये के आप 10 अंडे हो गए। अगर आप 8 भी खा रहे हो अपने वर्कआउट के बाद, तो अगर आपके पास वे प्रोटीन नहीं है, अगर आप अपने वर्कआउट के बाद 7-8 अंडे खा रहे हो, 70-80 रुपये बचा के एक दिन उसमें से 70-80 तो बहुत बैठते हैं 6-7 अंडों के बराबर। अगर आप मिला के देखो, देखो हर किसी की क्वांटिटी अलग होती है प्रोटीन की। तो किसको 25 ग्राम तक आप वे प्रोटीन लेते हो क्योंकि वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन उसके मुकाबले एग्स थोड़े से कम टाइम में एब्जॉर्ब, मतलब ज़्यादा टाइम लेते हैं प्रोटीन के मुकाबले। तो चीज़ एक ही है, ठीक है, सप्लीमेंट क्यों लेता है कोई, क्योंकि उसकी जो डाइट है उसमें से आप अपने मसल बिल्डिंग के एंजाइम्स को पूरा नहीं कर पा रहे, उन अमीनो एसिड्स को पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए तो आप सप्लीमेंट पर जाते हो। अब एक बात बताओ आप मुझे, 70-80 रुपये आप एक स्कूप में खर्च कर रहे हो, 70-80 रुपये आप अंडों में खर्च कर रहे हो। ठीक है, चीज़ें वही हैं। मान लो कि आप 6-7 अंडे ले रहे हो, 8 अंडे ले रहे हो, तो अप्रोक्सीमेटली ये देखो कि आप 35 ग्राम प्रोटीन आता है आपको, 30-35 ग्राम प्रोटीन मिलता है आपको 7-8 अंडों में, और वहीं आपको 70-80 रुपये की स्कूप मिल रही है वे प्रोटीन की। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि कौन सा बेस्ट है। दोनों चीज़ बराबर हैं, ठीक है, प्रोटीन की क्वांटिटी हमने उससे ही पूरी कर ली और प्रोटीन की क्वांटिटी हमने उससे ही पूरी कर ली। ठीक है, काम वो भी वही करे, काम अंडे भी इतना ही करेंगे और काम प्रोटीन भी इतना ही करेगा। ठीक है, सिर्फ फर्क क्या है इन चीज़ों का, क्योंकि वे प्रोटीन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स पड़े रहते हैं, तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होता है आपके वर्कआउट के बाद। एक वे प्रोटीन का ये फायदा है कि आप उसे किसी भी टाइम ले सकते हो। ठीक है, वे प्रोटीन आप किसी भी टाइम दिन में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अंडे आपको थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी टाइम ले सकते हो बिल्कुल, पर थोड़ी उससे गैस वैस की प्रॉब्लम हो जाती है किसी किसी को। ठीक है, जिस किसी को प्रोटीन के और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। देखो, हमारी बॉडी को ये नहीं पता कि हम प्रोटीन के लिए क्या खा रहे हैं, उसे चाहिए सिर्फ प्रोटीन, ठीक है, मसल बिल्डिंग के लिए। अब आप चाहे वे प्रोटीन से उसे पूरा करो, अब चाहे आप उसे सोया चंक से पूरा करो, अब चाहे आप उसे अंडों से पूरा करो, चिकन से पूरा करो, किसी से ही पूरा करो, इसे सिर्फ चाहिए प्रोटीन। जो इसका काम है मसल बिल्ड करने का, या फिर मसल बिल्ड करने का, या फिर आपका जो अमीनो एसिड पूरा करने का, वो ये करेगी। इसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो, बस इसे वे एंजाइम्स चाहिए। ठीक है, अगर आप उसे फूड से पूरा कर लेते हो, अगर आप उसे बिना सप्लीमेंट के, किसी वे प्रोटीन के बिना पूरा कर लेते हो, तो आपको वे प्रोटीन की ज़रूरत क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि वे प्रोटीन गलत है, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने प्रोटीन की क्वांटिटी नहीं पूरी कर सकते, ऐसा नहीं है कि वे प्रोटीन जरूरी नहीं है। आप अंडे भी ले लो, आप वे प्रोटीन भी ले लो, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे आपको। ठीक है, तो दोनों चीज़ बराबर हैं। हमारी बॉडी को नहीं पता, ठीक है, कि आप प्रोटीन कहाँ से ले रहे हो, कुछ भी खाओ कैसे भी खाओ, आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, आप प्रोटीन दे रहे हो तो रिजल्ट आएंगे। तो वर्कआउट अच्छा करो। थैंक यू, अगर मेरे अपने भाई की बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट कर देना। थैंक यू।